मेहनत करेगा हमारा आदमी, और हड़पने के लिए फिर एक कांग्रेस और सपा के गुंडों को आप चूड़ देंगे कि वे आपकी संपत्ति को हड़पने का काम करेंगे? क्या ये अधिकार देंगे आप? लेकिन कांग्रेस और सपा का इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इस बात को कहता है। और बहनों और भाइयों, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बहनों के मंगल सूत्र पर भी संकट आने वाला है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, शिष्टाचार है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें स्त्री धन के रूप में जेवर को अपने आप संभाल करके रखती हैं। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, केवल हिंदुस्तान में हमारी बहन माताएं बहनें रखती है। जेवर मंगल सूत्र भी होता है, गले का हार भी होता है, लॉकेट भी होता है, और भी उनके पास अपने जेवर होते हैं। पैसा होता है उसको संभाल के रखती है, फिर जेवर खरीदती है, सोना खरीदती है, चांदी खरीदती है। हर परिवार में एक तोला से लेकर के एक किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है, और फिर वही अपने आने वाली पीढ़ी को। वही राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला गया स्मृति ईरानी की तरफ से, क्योंकि ये बात आ रही है कि अब वो चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। ये कहा है स्मृति ईरानी ने कि जो लोग मंदिर का विरोध करते थे, अब वो मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी मंदिर जा सकते हैं, राम मंदिर दर्शन कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने मंदिर का विरोध किया और अब मंदिर जाने की बात करते हैं। औरत कभी जा हो तो अपना मायके नहीं छोड़ती है, मायके का सम्मान रखते हैं, ससुराल जाती है। लेकिन राहुल जी तो पूरा पूरा अमेठी छोड़ दिए, अब वायनाड में वोट करेगा, उसके बाद आएंगे। तो पत्रकार कह रहे हैं कि राम मंदिर भी जाएंगे। अमेरिका वापिया जब राहुल जी की कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता थी तो उन्होंने देश की अदालत में पर्चा भर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। राहुल जी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया तो पूरे गांधी परिवार ने राम लल्ला का न्योता गुजरा दिया। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको राम लल्ला का प्रसाद मिला है, अक्षय केला है, मिला है? आप में से कितने लोग भगवान राम का प्रसाद ठुकराए हैं? नहीं ठुकराया कोई, क्योंकि इतना अहंकार तो इंसान में होता नहीं। रोड से रिपोर्ट करने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ में, और लोगों से जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है और किसके दावों में कितना दम है। गठबंधन को सीटें मिलेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है 80 की 80 सीटें मिलेंगी, लोगों से ही जानते हैं कौन जीतेगा। अब ये बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा? क्यों क्यों है? क्यों जीतेगी? क्यों जीतेगी? अरे प्रधानमंत्री जी के इतने अच्छे अच्छे काम है, भारत का उन्होंने नाम रोशन कर दिया है, अब विदेशों में उनका नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, लोग भारत की इज्जत करने पहले कहाँ इज्जत करते थे। चीन देखिए हमेशा दबाया, अब बोलता तक नहीं है, पाकिस्तान बोलता तक नहीं है, नहीं हर समय पता चला कि आतंकवादी भेज रहा है या चीन दबा रहा है। क्या सोच के जाएंगे कौन जीतेगा? मोदी। क्यों? मोदी को देंगे। बस ऐसे ऐसे ही। अच्छा आप बताइए भैया, मुस्कुरा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, लखनऊ में है तो पूड़ी चलेगी तो जरूरी है, लेकिन ये बताइए कि जीत कौन रहा है? मोदी जीत रहे हैं और कौन जीतेगा? क्यों जीत रहे हैं? मोदी की लहर चल रही है। लहर चल कर रहे हैं। आपके लिए क्या काम? हमारे लिए कोई, हम अपने लिए सोचते नहीं, सबके लिए, देश के लिए सोचते हैं, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्यों भैया कौन जीत रहा है इस बार? डेफिनेटली मोदी। क्यों? क्योंकि आप अब विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं जिसको इसके सामने खड़ा कर सके। हाँ। कोई ऐसा तो चेहरा दिखाई, बड़ा गठबंधन बन गया, आप कह रहे हैं चेहरा मतलब है? गठबंधन में बंधे तो चाचा भतीजा बुआ बुआ मौसी सब लगे हुए हैं, मगर कोई फायदा है? हाँ। अकेला वो अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, मोदी अकेले भारी है सब पे। आपको लगता है भैया ऐसा कुछ है? थोड़ा देर घूम जाइएगा, आप बताइए। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। कौन जीतेगा? अकेले वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी।
अच्छा नरेंद्र मोदी जीतेंगे क्यों? बिल्कुल 100% क्यों मैम, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए और क्या चाहिए हमें, बाकी आप ब्रिजेस लिए हर चीज़ लिए, बस सिर्फ एक है, बाकी सब ठीक है, बाकी हर चीज़ कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव व्यूज भी आती ही आती है। कौन जीत रहा है? वोट दे देंगे जो जीतना होगा जीत जाएगा। ऐसा क्यों और क्या, वोट देंगे जो जीतना होगा वो कैसे? पब्लिक पूरे की मर्जी हमारे पास थोड़ी नहीं चलती, कौन किसको देगा वोट? एक वोट जरूरी है। अरे हम तो देंगे अपना, दूसरा क्या पता किसको देगा, कौन जीतेगा कुछ पता थोड़ी नहीं। अच्छा ठीक भैया, वो वोट देने जाएंगे ही? हाँ जी मैम। वोट कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी ने, इसलिए। आपको क्या काम अच्छा लगता है? हमको स्वास्थ्य का काम अच्छा लगा है, उन्होंने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है, बाकी और भी काम अच्छा किया, गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो गरीब अल्प आय के लोग जो है बेसिकली चाहते हैं, दुर्बल आय वर्ग के लोग चाहते हैं, तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं मुस्लिम हूँ वैसे, लेकिन बीजेपी अच्छा काम किया इसलिए बीजेपी को वोट दें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी है ममालनी का वीडियो वायरल, चुनाव प्रचार के दौरान लस्सी पीती नजर आई है ममालनी। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा, काल भैरव मंदिर में शाह ने की पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई रैली, शत प्रतिशत मतदान करने के लिए निकाली गई रिक्शा रैली। झारखंड में बर्ड फ्लू का कहर, बर्ड फ्लू के फैलने के बाद रांची में 4000 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर। पटना के होटल में लगी भीषण आग, हादसे में 6 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल, तो सिलेंडर फटने की वजह से होटल में लगी भीषण आग। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार कार का कहर, तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बस पलटने से हादसा, नियंत्रण खोने से पलटी बस, तो हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर। यूपी के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो, वीडियो में बताई आप बीती, ग्राम प्रधान दिनेश समेत कई लोगों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में कब्रिस्तान में मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजस्थान के बाड़मेर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान दलों को ईवीएम मशीन बांटी गई है, बाड़मेर में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले से बरामद किया चीन निर्मित ड्रोन, नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका, इलाके में तलाशी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिसकर्मी का चोरी करते हुए वीडियो वायरल, इलेक्ट्रिक बल्ब चुराते हुए पुलिसकर्मी का सीसीटीवी आया सामने, आरोपियों के खिलाफ जांच जारी।